आज का टॉपिक है हमारा सेक्शन 50B स्लम सेल। ठीक है। स्लम सेल क्या होता है कि जब मान लो आप कोई एक कैपिटल एसेट जब बेच रहे हो ना, तो आप एक साथ बहुत सारे कैपिटल एसेट बेच देते हो, ठीक है, और वहां पर आप एक एक एसेट का अलग अलग से प्राइस नहीं बताते हो, तो उस केस में आप कैसे कैपिटल गेन लगाओगे वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप क्या किए, आप एक बहुत बड़ी बस्ती थी, बस्ती में 15-20 एक साथ घर थे, आपने अलग अलग घर का रेट नहीं बताया, आपने पूरी की पूरी बस्ती ही बेच दी, तो उस केस में कैपिटल गेन कैसा लगेगा वो हम देखेंगे सेक्शन 50B में, जो आपका डील करता है स्लम सेल के साथ। तो चलिए लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे इसका मीनिंग। देखिए स्लम सेल मीन्स स्लम सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग, ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सेल, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल फॉर अ लमसम कंसिडरेशन, फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट Assigning any value to the individual assets and liabilities, liabilities transferred, ठीक है। तो यह है स्लम सेल का मतलब। स्लम सेल मतलब क्या होता है, जब आप एक से ज्यादा आपके कैपिटल एसेट या मान लो आपके अंडरटेकिंग्स आप एक साथ उसको बेच देते हो बल्क में, और बल्क में ही आप उससे प्राइस चार्ज करते हो, और इंडिविजुअल अलग 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 एसेट का प्राइस आप उसमें नहीं बताते हो, तो उस केस में कैसे टैक्सेशन होगा वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पहला पॉइंट था उसका मीनिंग। दूसरा इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, ये आपका पहला था, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कि यहां पर जो आपका एसेट जो बिकेगा स्लम सेल होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम स्लम सेल ऑफ कैपिटल एसेट being one or more undertakings owned or held by the SSE for more than 36 months More than 36 months is long-term capital gain. Otherwise, it will treated as
इट विल ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. तो यहाँ पे बहुत सिंपल बोला है, ये बोल रहा है कि अगर आप जो स्लम सेल कर रहे हो कैपिटल एसेट का, उसको अगर आपने 36 महीने से ज्यादा रखा तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा, अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लम सेल के केस में नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. जी हाँ, नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि स्लम सेल में मान लो आप 100 अलग अलग एसेट एक साथ बेच रहे हो, और इट में भी पॉसिबल वो 100 अलग अलग एसेट आप 100 अलग अलग साल में खरीदे होंगे, तो 100 अलग अलग साल में खरीदे होंगे तो सबका अलग अलग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII अलग अलग होगा, तो इसलिए वहां पर दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में, तो इसलिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहां पर नहीं मिलने वाला. लिखिए इसके अंदर बेनिफिट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बेनिफिट ऑफ index cost of acquisition public cost of improvement is not available, is not available. In computing long term capital gain, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो वैसे ही नहीं मिलता हमको इंडेक्सेशन, और यहां पर इस वाले केस में लॉन्ग टर्म में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. फोर्थ वन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे करोगे कॉम्प्यूट. लिखे कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे करेंगे. स्टेप वन, टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट, टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट हम लेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट. नाउ टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट मतलब क्या, इस वाले केस में डेप्रिशिएबल एसेट एट WDV, डेप्रिशिएबल एसेट अगर हैं तो अपने WDV पे आ जाएंगे, प्लस सेक्शन 35AD वाले एसेट हैं, ये सेक्शन हम लोग PGP वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. फिर आपको बता दूं मैं, सेक्शन 35AD मतलब वो वाले एसेट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ने बताया कुछ स्पेशल बिजनेस करने के लिए, अगर आप वो सेक्शन 35AD वाले स्पेशल बिजनेस करते हो ना, तो वहां पर आपको 100% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर ही अलाउ हो जाता है. तो किसी एसेट का अगर डेप्रिसिएशन पूरा 100% अगर हो जाए तो उसकी WDV कितनी बची, जीरो. तो इन केस ऑफ सेक्शन 35AD वाले एसेट आपको वैल्यू लेनी है नील वैल्यू लेनी है, ठीक है. एंड उसके अलावा अदर एसेट्स अगर हैं तो उसको आपको लेना है बुक वैल्यू पे, एट बुक वैल्यू. तो आप इन तीनों को प्लस कर दोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स. अब हम करेंगे स्टेप टू. स्टेप टू है आपका नेटवर्थ, हम निकालेंगे नेटवर्थ. क्या है नेटवर्थ का मतलब, अभी हम लिखेंगे. लिखिए नेटवर्थ का मतलब, टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स इन स्टेप वन, टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स
एज पर स्टेप वन, ऊपर दिया गया जो स्टेप वन है ना उसमें जो आया वो उससे माइनस कर देंगे, माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर, माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर। अगर सास आपने जो स्लम सेल में लिया है एसेट सारे के सारे, वो सारे के सारे के साथ अगर मान लो कुछ आपका अगर लायबिलिटी भी आ रही है तो उसको माइनस कर दोगे, तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल आपने जो लायबिलिटी भी ली है वो माइनस कर दोगे, आपको मिल जाएगा नेट वर्थ। थर्ड वाला लिखिए स्टेप थ्री। अब हम निकालेंगे क्या, स्टेप थ्री में निकालेंगे हम कैपिटल गेन, स्टेप थ्री में निकालेंगे हम कैपिटल गेन। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ, नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ जो अभी हम स्टेप टू में निकाले थे, इतना अगर माइनस कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो होगा हमारा कैपिटल गेन। नोट लिखिए, पहला नोट, डब्ल्यू डी बी मीन्स रिटन डाउन वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर, एज डिटरमाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स के हिसाब से जो आपका एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू होगा वो WDV आपको यहां पर लेने की बात की गई है। दूसरा नोट लिखे, इफ द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड, इफ द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर, इफ द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड has been allowed as deduction or is allowable as deduction under section 35 AD, comma value of such assets shall be nil. Third note dekhe, any change on account of revaluation, any change on account of revaluation of assets shall not be considered. नेक्स्ट पांच नंबर पॉइंट लिखिए, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं वे लोग भी अभी मेरे साथ लिखते रहिए, लिखने के बाद फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, इसका मतलब लिखिए इसके अंदर, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर
स्टाम्प ड्यूटी कमा रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा शैल नॉट बी रिगार्डेड एज असाइनिंग वैल्यूज टू असाइनिंग वैल्यूज टू इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज In our last point in this regard, just note it down, then we will start discussing the provision of section 50B slump sale. Our last point is auditor's report. Auditor's report. Likhe iske andar. Report of a chartered accountant inform 3CEA inform 3CEA shall be enclosed along with return of income. Comma. Indicating and certifying the computation of net worth of the undertaking. That's it. ये हमारा रहा notes वाला part. इसको update कीजिए, फिर हम discuss करेंगे, इसको समझेंगे और फिर इसका problem भी solve करेंगे. अगर आप लोग का लिखना हो गया तो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए. हो गया सर. यस सर. ओके, देखिए क्या है ये, इसको समझते अच्छे से. बहुत इजी है और बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि डेली लाइफ में बहुत बार यूज होता है. एंड मोर ओवर क्या होता है ना कि मतलब आपके एग्जाम में भी कभी कभी इसको पूछता है. ठीक है, तो हम बात करें स्लम सेल की. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए स्लम सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेल फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग एनी वैल्यू टू द इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड. मानकर चलिए ये मेरा एक बिजनेस है, मेरे इस बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स भी हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज भी हैं. तो मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा बिजनेस मैंने किसी एक को सेल कर दिया. मतलब इस एसेट में अगर आप गौर से देखोगे तो देयर आर सो मेनी व्हाट कैपिटल एसेट्स, सो मेनी कैपिटल एसेट्स. ठीक है, तो मान लीजिए अब यहां पर मैंने जो बेचा इसमें मेरे पास करीबन करीबन 100 नंबर्स ऑफ क्या थे, एसेट्स थे.
मैंने इसको बेच दिया मान के चलिए 25 लाख रुपए में, लेकिन मैंने जो 25 लाख रुपए लिए ये पूरा का पूरा बिजनेस एज ए होल लिया। मैंने अलग अलग जो मेरे 100 एसेट्स है ना, इनका अलग 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 मैंने क्या किया, स्पेसिफाई नहीं किया कि भैया एसेट वन का इतना रुपया ले रहा हूँ, एसेट टू का इतना ले रहा हूँ, एंड सो ऑन। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्लम सेल। हम क्या कहते हैं, स्लम सेल। ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, स्लम सेल, जहां पर बहुत सारे एसेट्स को हम क्या करते हैं एक ही सिंगल अमाउंट में बेच देते हैं और अलग 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 हम रेट जो है वो हम कोट नहीं करते। दिस इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल मीनिंग ऑफ स्लम सेल। जैसे रियल लाइफ में भी होता है, तो अगर ऐसे अगर आपके सामने हो जाए कोई एक सिनेरियो, तब उसका कंप्यूटेशन कैसे करोगे वो हम इसमें देखने वाले हैं। एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए, और ये एग्जांपल आप लोग बहुत सारी मूवी में देखे होंगे, ये एक लैंड का एरिया है, यहाँ पर 1000 छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां हैं, स्मॉल हाउसेस मान के चलिए, यहाँ पर 1000 छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां हैं। तो इस पूरे के पूरे एरिया को मान लीजिए आपने बेच दिया किसको, किसी एक बिजनेसमैन को आपने बेच दिया। क्यों बेच दिया, वो बिजनेसमैन क्या करेगा, यहाँ से इन सारे 1000 घर को हटा देगा और बदले में यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर एक बड़ा सा मॉल बनाएगा। ऐसा मूवी में देखे हो आप लोग, ऐसे होता है बहुत सारा मूवी में, ऐसा सीन दिखाया जाता है और फिर एक हीरो आता है जो बोलता है कि हम ये जमीन बिकने नहीं देंगे और फिर कहानी हमारी शुरू हो जाती है। बट रियल लाइफ में अगर ऐसा ट्रांजेक्शन अगर हो जाता है, इफ सच ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, अगर हो जाता है तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये जो 1000 स्मॉल हाउसेस है, ये जो लैंड है, ये सब क्या है, ये सब आपका कैपिटल एसेट है। तो ये कैपिटल एसेट का क्या हो रहा है, यहाँ पर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है। और अगर ट्रांसफर हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपको क्या भी हो रहा होगा, आपको कैपिटल गेन हो रहा होगा। अगर कैपिटल गेन हो रहा होगा तो भैया आपको फिर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया सिनेरियो, स्लम सेल मतलब क्या होता है, फटाफट मेरे को बताइए कि आपको उसका बेसिक मीनिंग पता चला स्लम सेल का क्या होता है। जी सर। ओके, अब आगे देखिए, आगे ये इसके प्रोविजन और क्या कहते हैं, सेक्शन 50B में अगर हम आगे जाएं तो दूसरा पॉइंट आता है कि भैया इसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे या लॉन्ग टर्म बोलेंगे। अगर हम बहुत सारे एसेट एक साथ बेचते हैं तो प्रोविजन स्पेसिफाई कर दिया, इफ यू आर होल्डिंग सच एसेट्स फॉर मोर देन 36 मंथ्स से ज्यादा अगर आप इसको रखते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म, अदरवाइज ये क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म। एंड उसके बाद नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। जी हाँ, जहां हमने पढ़ा था कि अगर लॉन्ग टर्म एसेट होता है तो वहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कंसेप्ट लगाते हैं, लेकिन स्लम सेल के केस में ये वाला कंसेप्ट को नहीं दिया गया। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि स्लम सेल में बहुत सारे एसेट को एक साथ ट्रांसफर करते हो एंड बहुत सारे एसेट्स का इट मे बी पॉसिबल कि आपने उसको अलग अलग डेट पे खरीदा हो, एंड अब अगर अलग अलग डेट पे खरीदे हो तो वहां पर अलग 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 आप अगर इंडेक्सेशन करो हर एक एसेट का तो दिक्कत हो जाएगी। एंड मोर ओवर, चलो दिक्कत ना भी हो, हम सॉफ्टवेयर यूज कर लेंगे कैलकुलेट करने के लिए, हम MS Excel यूज कर लेंगे कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है स्लम सेल का बेसिक मीनिंग में क्या, बहुत सारे एसेट एक सिंगल प्राइस में बेचते हो और हर एक एसेट को कितने में बेचे वो आप क्लियर नहीं होते हो। तो जब आपको पता ही नहीं कि एक एसेट को आपने कितने में बेचा, तो आप उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट किस तरीके से करोगे। हेंस इन केस ऑफ स्लम सेल इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब स्लम सेल के केस में हम कंप्यूट कैसे करते हैं कैपिटल गेन को, तो चलिए उसको भी जरा हम देख लेते हैं। तीन स्टेप में कहानी खत्म। पहला स्टेप क्या है आपका, पहला स्टेप आपका है टोटल वैल्यू ऑफ एसेट। जी हाँ, आप क्या करोगे, आपके पास जितने भी एसेट है ना, आप उस सबको वैल्यू निकाल लोगे। जैसे अगर डेप्रिसिएबल एसेट है तो आप आपका उसका WDV ले लो, रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो ले लो। और सेक्शन 35AD वाले एसेट है तो उसका वैल्यू नील होगा। सेक्शन 35AD फिर से आपको समझाता हूं मैं क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ने सेक्शन 35AD में बहुत सारे बिजनेस का लिस्ट दिया है और कहा है कि अगर आप ये बिजनेस करते हो तो इस बिजनेस को एक्वायर करने में जो भी एसेट्स आएगा
उसका 100% हम आपको डेप्रिसिएशन दे देंगे फर्स्ट ईयर में ही। तो मान के चलो कि मैंने अगर 1 करोड़ का एसेट खरीदा तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, फर्स्ट ईयर में ही आपका 1 करोड़ का एसेट खत्म हो गया, तो आपका वैल्यू कितना बचा, जीरो। तो हेंस अगर सेक्शन 35AD वाले कोई एसेट आपके पास है तो उसका वैल्यू आप कितना लोगे, जीरो। क्यों जीरो लोगे, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी 100% डेप्रिसिएशन आप पहले दिखा चुके हो। ये आपका 35AD वाला पार्ट। तो WDV डेप्रिसिएबल एसेट किसके ऊपर लोगे, WDV, और 35AD वाला किसके ऊपर लोगे, जीरो। एंड उसके अलावा अगर कुछ और एसेट बच जाता है दैट इज अदर एसेट्स, तो उसको आप किसके ऊपर लोगे, आपका बुक वैल्यू के ऊपर आप उसकी वैल्यू को लोगे। और इन तीनों को अगर ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। यहां तक बात समझ में आई आपको, क्या आपको यहां तक बात समझ में आई, फटाफट क्लियर कीजिए। जी सर। ओके, देन स्टेप टू में हम क्या करेंगे, स्टेप टू में हम निकालेंगे नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब कि आपके पास जो टोटल एसेट आया साथ साथ लायबिलिटी भी आया है, तो आप क्या करोगे, जितना आपका टोटल एसेट का वैल्यू हो रहा है उससे माइनस कर दोगे जो लायबिलिटी आपको मिली। मतलब क्या, मतलब मान के चलिए यहां पर देखिए, ये आपके पास एक बिजनेस आया, बिजनेस आपके पास एसेट भी है लायबिलिटी भी है, ठीक है। तो मान के चलिए एसेट आपको मिले 100 करोड़ रुपए के, साथ ही साथ 20 करोड़ की आपको क्या मिली, लायबिलिटी मिली। तो मुझे बताइए नेट कितना मिला आपको, 100 के एसेट हैं, 20 की लायबिलिटी है, माइनस कर दो तो नेट आपको कितना मिला, 80 करोड़। तो दिस इज योर नेटवर्थ, ये जो बिजनेस आपको मिला इसका नेटवर्थ है 80 करोड़ रुपए, ठीक है। तो देखिए वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, स्टेप टू में क्या बोल रहा है, आपको निकालना है नेटवर्थ। कैसे निकलेगा, टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो हमने स्टेप वन में निकाला वो, उससे माइनस कर देंगे हम लायबिलिटी टेकन ओवर। देन लास्ट आपका आ जाता है कैपिटल गेन स्टेप थ्री। इसमें क्या करते हैं हम, हमारा जो नेट कंसिडरेशन हमको मिला स्लम सेल करके जो पैसे मिले उस वैल्यू से, उस पैसे से माइनस कर देंगे हमारा नेटवर्थ जो है, तो हमको मिल जाएगा हमारा कैपिटल गेन। स्लम सेल को सॉल्व करने के समय कुछ हमको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है जो है आपका इंपॉर्टेंट नोट्स में। क्या, सबसे पहला WDV का मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग वाला WDV नहीं है, WDV का मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स वाला WDV होगा। दूसरा बात ये बोल रहा है कि अगर 35AD वाले कोई एसेट हैं जिसके ऊपर खर्चा ऑलरेडी 100% पूरा का पूरा अलाउ हो चुका है, वैसे वाले एसेट का वैल्यू आप क्या लोगे, जीरो। एंड लास्ट वाला पार्ट आपको बोलता है कि अगर आप रीवैल्यूएशन करते हो एसेट लायबिलिटी वगैरह का और उससे अगर आपका वैल्यू चेंज आता है एसेट के वैल्यू अमाउंट में, तो उसको आप इग्नोर कर दोगे, आप ये मान के चलोगे कि ऐसा कोई रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब क्या, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब ये वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर आप आपका जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स पे करते हो, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स पे करते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के बारे में, द डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर स्टाम्प ड्यूटी द रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा शैल नॉट बी रिगार्डेड एज असाइनिंग वैल्यूज टू इंडिविजुअल एसेट और लायबिलिटी। जी हाँ, जब आप ट्रांसफर ऐसा कुछ करते हो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का पैसा खर्चा करते हो ना स्लम सेल के केस में, तो पर एसेट मान लो 100 एसेट ट्रांसफर हुए तो पर एसेट के लिए आपने कितना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दिया ये पता लगा पाना संभव नहीं हो पाता है। एंड द लास्ट वन ये बोलता है कि जब कभी भी आप स्लम सेल करोगे तब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करोगे जिसके ऊपर वो बताएगा कि हाँ भैया आपने जो नेटवर्थ निकाला है वो सारा का सारा आपका सही निकाला गया है। बताइए क्या आपको प्रोविजन समझ में आया, फटाफट सारे लोग मेरे को बताइए क्या आपको प्रोविजन समझ में आ गया। यस सर। ओके फैंटास्टिक, तो चलिए हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक लेके फिर इसके ऊपर एक नंबर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।